अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबई की सुहानी शाम है और आज जो सुपरस्टार मेरा मेहमान है, किसी का भाई किसी की जान। कभी बजरंगी भाईजान है तो कभी सुल्तान है, हिंदुस्तान की शान है, आपका चहेता सलमान खान है। प्लीज वेलकम सलमान खान। सलमान, बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहे थे, आइए बैठ। आपके लिए कटघरा तैयार है। ये मेरी आदत छूट गई है सर। सॉरी, काफी लंबा चला है, माफ कर दो। 35 साल का करियर है सलमान, एक से एक सुपरहिट, लेकिन 9 साल से ढूंढ रहा था मैं आपको, आपकी अदालत में आपको आते आते 9 साल लगे। पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। चलो आप पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या जवाब मैं दूंगा। प्रॉब्लम आपके पूछने से नहीं है, कि प्रॉब्लम यह है कि मैं जवाब क्या दूं। ये जो माइक है ना, बड़ी डेंजरस चीज है, और जो कुछ दिमाग है वो उससे भी डेंजर है, क्योंकि हम एक चीज कुछ बोल जाते हैं और लोगों हमको ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है। लोगों के समझ में आ जाता है लेकिन उल्टा आता है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, फिर माफिया मांगनी पड़ती है। भाई ये शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। पहला इल्जाम, सुपरस्टार सलमान खान। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। सलमान, पहली शिकायत आई है किसी का भाई किसी के जान के सेट से। आपने जो एक्ट्रेसेस वहां काम करती हैं, जो हीरोइन है, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जरा डिसेंट कपड़े पहन के आने हैं, किसी की नेकलाइन डीप नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर सब बैठे हैं, कितने डिसेंट तरीके से बैठे हैं। जब आप एक डिसेंट पिक्चर बनाते हो तो सब जाके देखते हैं पूरे परिवार के साथ। आपने ये फिल्म देखी यहाँ पर किसी ने? सब ने देखी? जिसने नहीं देखी, इस शो के बाद जरा जाके देख लो। लेकिन ये जो नियम आपने बनाए हैं डिसेंट ड्रेस के सर, ये सिर्फ लड़कियों के लिए हैं या आपके लिए भी हैं? सर, इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। अरे, आपकी शर्ट उतरने में 1 मिनट लगता है। लेकिन एंड में उतरती है शर्ट सर। आई थिंक ये जो एक बॉडीज हैं, औरतों की बॉडीज हैं, वो कई ज़्यादा प्रेशियस हैं, तो वो जितनी ढकी हुई होंगी मुझे लगता है कि बेटर होंगी। सलमान, औरतों की बात ठीक है, लेकिन आपने तो 17 साल की उम्र में पहला ऐड किया था, उसमें ही शर्ट उतार दी थी। सर, उसमें तो स्विमिंग ट्रंक्स में था मैं सर, उस वक्त ठीक था सर। वो आजकल का माहौल थोड़ा सा एक ये लड़कियों का चक्कर नहीं है, ये लड़कों का चक्कर है। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को देखते हैं, यू नो, आपकी बहनें, आपकी बीवियों को, आपकी माओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट वॉन्ट देम टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलिएशन। लेकिन अपनी शर्ट उतारना अच्छा लगता है सर? मैं इसलिए शर्ट उतारता हूँ क्योंकि सर मैंने शर्ट उतारा था बागी, जिसमें मैं बिकिनी पहन के भागा था। स्टिल बेटर देन लंगोट। बिकिनी का ऊपर का था, लंगोट में बहुत शर्म आई मुझे, क्योंकि जैसे मैं सेट के ऊपर पहुंचा तो हाय अल्लाह। तो क्या सिखा रहे हैं आप नौजवानों को? सर, सब जानते हैं सर, लेकिन कभी कभी इनकी नियत ख़राब हो जाती है, तो वो कोशिश है कि
हम जब पिक्चर बनाए तो हम उनको ये मौका ना दें कि ये आके हमारी हीरोइन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें। आपको OTT कंटेंट से भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल? सर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है सर। आई थिंक OTT के ऊपर भी सेंसर होना चाहिए, और जैसे कि हमारे दो पंचेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं एक्शन में, तो हम पर ए सर्टिफिकेट आ जाता है। यहाँ पर तो अलग ही किस्म का एक्शन चल रहा है और उसके ऊपर कोई ए ना बी ना सी सर्टिफिकेट कुछ नहीं। तो सारी रेस्ट्रिक्शन OTT के लिए, बिग बॉस के लिए कुछ नहीं? सर बिग बॉस के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन हैं सर। अगर हम आपको बिग बॉस दिखा दें, ऐसी रिस्ट्रिक्शन है? आप कहते हैं, आपने जुबैर खान को कहा कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान है। हाँ कहा था। अच्छा हाँ, ये कहा था मैंने, कहा था क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी घर के अंदर। तो जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने तो पूरा फुटेज देखा है, और फिर वो आगे करने शुरू कर दी उन्होंने। और पारस छाबड़ा को आपने कहा कि मैं अपनी पे आ जाऊँ तुझे ठीक कर दूंगा, बाहर मिल। हाँ उन्होंने भी, वो पारस का इतना नहीं था। कभी कभी हम दूसरों की बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा कंटेंट देखा है, फॉलो किया है, जो हमारे क्रिएटिव हेड्स हैं कंटेंट वाले हैं, तो फिर वो मुझे बताते हैं कि ऐसा हुआ था। उस वक्त थोड़ा सा पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाता है आदमी। और फिर जब खुद देखता हूँ मैं अपने आप को, तो मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी, आई शुड हैव रिएक्टेड लाइक दिस एंड आई फील रियली बैड। आजकल सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं आता हूँ, सो फिल्मों में ठीक है क्योंकि वो रिटन डायलॉग है, यहाँ तो मैं हूँ ना, सो देन आई फील दैट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। तो लेकिन जो कॉन्टेंट जो वहाँ का है, बिग बॉस के घर का कॉन्टेंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अब उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, ना फोन्स ना कोई, घर में 24/7 108-112 कैमरा उनके पीछे पड़े हैं, हर एंगल से दिखाई दे रहे हैं वो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो आपा अपना खो देते हैं। सलमान, लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस में गालियाँ, गुस्सा, मारपीट, ये सब इसलिए होता है कि शो को पॉपुलर बनाया जाए? नहीं सर, आई थिंक इससे शो की पॉपुलैरिटी रुक जाती है। अब मुझे पता है कि मेरी माँ देखा करती थी शो, नॉट बिकॉज आई वॉज होस्टिंग, उससे पहले देखा करती थी शो, उन्होंने बीच में देखना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फॉल्स कॉन्टेंट, बिकॉज ऑफ एग्रेशन। अब पिछले दो सीजन्स के अंदर शो इतना उड़ गया है, क्योंकि वो सब इतना नहीं है जितना के पहले हुआ करता था। आजकल रोमांस है, छोटे मोटे झगड़े हैं, किचन के झगड़े हैं, मेक बिलीव झगड़े नहीं हैं। फिर अगर कोई मेक बिलीव करता है तो वो दिखाई भी देता है कि ये क्या फुटेज के लिए कर रहा है, और खुद अंदर घर के अंदर बोल देते हैं कि ये फुटेज के लिए कर ये कर रहा है। तो हर शो के आखिर में आप कहते हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी रेस्पेक्ट करो। जी हाँ, वो एक मेरा है कि डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। सो आई से दैट ऑल द टाइम, वो मैं बिलीव करता हूँ कि, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से आया है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को काफ़ी तकलीफ दी है। अब ये तो अच्छी बात है कि मेरे फादर को हम टाइगर बुलाते हैं, रैम्बो बुलाते हैं, और माँ को गैब्रियल शॉकब्ज़ बुलाते हैं। उन्होंने झेल लिया हम पांचों को, लेकिन ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो कि ये झेल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बोलता हूँ। और आपने माता पिता को तकलीफ दी, तो तकलीफ तो बेसिकली आप ही को हो रही है। आप भी तो तकलीफ देते हैं, कितने साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। अभी सर क्या बोलूं, वो तो प्लान था बहू का नहीं था, बच्चे का था, लेकिन अब वो लॉ के हिसाब से वो तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता, तो अब देखेंगे सर क्या करें। आपकी वो फेवरेट है शहनाज गिल। हाँ, मैंने उनको एडवाइस किया कि मूव ऑन, कि अभी वो सिड इस दुनिया में नहीं रहे, आई एम श्योर दैट ही विल आल्सो वांट शहनाज टू मूव ऑन।
मूव ऑन. ये नहीं कि उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अभी नहीं, बहुत टाइम है. बट टू गेट आउट दैट सिडनास, वो बहुत ही हैवी था उसके ऊपर और वो टूट रही थी बेचारी बच्ची. तो मैंने बोला कि मूव ऑन. इसका ये मतलब नहीं सर कि मैं ब्रिंग इट ऑन बोलूँगा अपने आप. ये जो आपका मूव ऑन हो रहा है ना, हाँ, हाँ, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ये तो चलता ही जा रहा है सर. अनलकी इन लव सर. जब कोई ऐसा आएगी तो हो जाएगा सर. एक्चुअली सभी अच्छे थे. फॉल्ट मुझ में ही लाई करता है, क्योंकि जब एक जाती हैं तो फॉल्ट उनमें था, दूसरी जाती हैं तो फॉल्ट उनमें ही है, तीसरी जाती हैं तो फॉल्ट उन्हीं में है, चौथी में थोड़ा सा डाउट आता है कि फॉल्ट उनमें है या मुझ में है. पांचवी में भी 60-40 का, जब उससे ज़्यादा जब जाने लगती हैं तो वो कंफर्म कर जाती हैं कि फॉल्ट मेरा ही था, मेरा ही था. तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बस मेरा ही दोष है. शायद एक फियर कहो कि मैं शायद उनको वो ज़िंदगी, वो सुख ना दे पाऊँ जो कि उनके दिमाग में है. एंड आई एम श्योर कि सब अपनी अपनी जगह बहुत खुश हैं जी. आप करण जौहर से भी पूछ रहे थे शादी क्यों नहीं की, वो तो दो दो बच्चों के बाप बन गए. सर वही मैं कोशिश कर रहा था सर, लेकिन वो लॉ शायद चेंज हो गया है. तो अब देखें सर, सर बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे, आई लव किड्स. लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर. माँ उनके लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन हमारे घर में माँ ही माँ पड़ी हैं सर. हमारे पास पूरा ज़िला है, पूरा गांव है, वो उनका अच्छा ख्याल रख लेंगी. लेकिन उनकी माँ जो रियल माँ होगी वो मेरी पत्नी होगी सर. वो थोड़ा सा अब ये देखो कितने खुश हैं. तो आजकल कौन है जान और किससे किया हुआ है कमिटमेंट? सर से भाई हूँ आजकल मैं. सिर्फ भाई हूँ. जिनको चाहता था कि वो जान बुलाए वो आजकल भाई बुला रही है मुझे, तो मैं क्या कर. इसमें ताली मारने की कोई बात नहीं है, ये बड़ी दुखदायक बात है ये. और ये पूरी दुनिया के सामने सवाल है और कई साल से ये सवाल है कि सलमान खान की शादी कब होगी. सब जब ऊपर वाला चाहेगा सर. इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है शादी में. तो पहले ऐसा था कि वो नहीं हो रहा था, यू नो एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी मैंने हाँ किया तो किसी ने ना किया, कभी किसी ने हाँ किया तो मैंने ना किया. अब दोनों साइड से ही ना आ रहा है. जब दोनों साइड से हाँ आएगा तो हो जाएगी सर, हो जाएगी. लेकिन अभी उसमें वक्त है, 57 का तो हूँ, टाइम है उसमें. मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एंड लास्ट हो मेरे लिए. एक होना चाहिए और वो ख़त्म. वैसे मतलब एक बीबी होना चाहिए. बस. और बच्चे कितने होने चाहिए? सर बच्चे जितने हो सकते हैं वो होने चाहिए, ढेर सारे होने चाहिए सर, ढेर सारे होने चाहिए. या क्योंकि अभी हो जाते हैं एक अगले 5-6 साल के अंदर, तो आई कैन स्टिल प्ले विद देम फॉर अनदर 20-25 years. इसको बोलते हैं सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस. ये छोड़ना नहीं चाहिए आपको एनी एज, फ्रॉम द एज ऑफ योर टीनेजर टिल माय एज. आई एम स्टिल यू नो आई डू परहैप्स अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, बट देन आई कॉम्पेंसेट दैट विथ अ लॉट ऑफ राइट. जितना गलत करता हूँ मैंने ये डिसाइड किया है कि उससे 3 गुना मैं अच्छा करूँगा. अब देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे
कमेंट आपकी शादी को लेकर होते हैं। एक इंसान ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वो रहते हैं 170 फीट के घर में, अगर शादी की तो बहू को रखेंगे कहाँ? 170 स्क्वायर फीट नहीं, उससे थोड़ा बड़ा है सर। उससे थोड़ा सा बड़ा है या, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं है कि कपड़े और जूतों के लिए जगह हो, तो बाकी तो अगर यही इतना ही जगह नहीं है तो फिर और किसको फिट करें उस घर के अंदर। बट वो जो लेफ्ट टर्न है और राइट टर्न है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो बचपन से लिया है, और मेरे वालिद साहब, मेरी माता मम्मी ऊपर रहती हैं, तो मुझे ऐसा कभी वो शौक ही नहीं रहा कि एक पलेशिल घर में रहूँ, यू नो। तो वो मुझे अच्छा लगता है छोटा सा घर। आपने घर देखा है? मैंने घर देखा है, मुझे लगता है जितना बड़ा ये सेट है उतना बड़ा आपका पूरा नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा है सर। ये तो बहुत बड़ा है, ये थिन्यू, ये हो गया अपना लिविंग रूम, ये हाँ करेक्ट है, जिम उधर, ये तो कुल मिला के आपका शादी करने का कोई इरादा लगता नहीं ये सब देख के? सर इतना प्रेशर आ गया मुझ पर कि आजकल मेरे मदर और फादर भी मुझे ऐसे देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। बट जब वो होगी तब होगी। अब यहाँ पर आप सब शादी करके कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने खुश हैं। इतनी खुशी मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं से पूछ रहा ना सर कि हु वुड लाइक टू सी मी मैरिड, विच मैन वुड, टॉर्चर करने के लिए के जो हम सह रहे हैं वो आप भी सहो, वो गलत बात है। अच्छा आप लोग ताली बजा के बताइए और हाथ उठा के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि सलमान खान जल्दी से जल्दी शादी कर लें? हाँ मतलब कि मैं भी आपकी जिंदगी में आ जाऊं, जैसे आप टॉर्चर हो रहे हैं आप सब, मैं भी टॉर्चर हूँ। वो देखो वो सच्चा आदमी है, देखो सब बोल रहे, ये देखो करेक्ट, मतलब कि आप इतने नाखुश हैं अपने लाइफ में। तो पत्नी बीवी वहाँ पर बगल में बैठी है और इतना कॉन्फिडेंस है आदमी में कि मत करना, मेरा हाथ देख लो मेरे बाल चले गए। तो हमारी दुआ है सलमान कि जल्दी से शादी हो जाए। जी सर, नहीं भी हो तो भी आपको उतना सर, आपका मतलब हमारी बद्दुआ है कि जल्दी से शादी हो जाए। तो एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं सर, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी? अरे नहीं सर, नहीं सर, वो मत बोलो। अरे लोगों को लगा कि शाहरुख खान तो गए। हाँ वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं दुबई के इस खास माहौल में सुपरस्टार सलमान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि शरारत करने में ये सबसे आगे रहते हैं। सलमान जितने डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं सब कहते हैं कि सलमान 12 बजे क्या करेंगे या 2 बजे क्या करेंगे, 4 बजे क्या करेंगे, क्या शरारत करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। सर ये झूठ है सर, 12 बजे का तो डेफिनेटली झूठ है, क्योंकि 12 बजे में सेट पर पहुंचते हैं। तो जो भी शरारत की है मैंने वो घर पे की है, वो सेट भी नहीं हुई है कभी। तो वो मेरा टाइम है, मैं तो आपको मेरी मैं आपको मेरा रूटीन बता देता हूँ। मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे, फिर उठते मैं 6:37 तक मैं उड़ जाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद कार्डियो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, मम डैड के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ, और फिर एक और कॉफ़ी हो जाती है। और अभी तो साइकिल वाइकिल नहीं करता मैं, तो फिर वहाँ से सेट पहुँचता हूँ। सेट पहुँचने के बाद वहाँ पे सीन वीन डिस्कस होता है और फिर वहाँ से काम शुरू होता है। फिर जब तक के पैकअप नहीं बोले डायरेक्टर आई एम देयर ऑन सेट,
ना मैं वैन में बैठता हूँ, ना मैं एसी में बैठता हूँ, जहाँ पर सेट है मैं वहीं पर बैठता हूँ थ्रू आउट, जब तक के पैकअप नहीं हो। पैकअप होने के बाद देन आई कम। अब कभी 1 बजे होता है रात को पैकअप, तो कभी शाम को 6 बजे, 7 बजे, व्हाटएवर टाइम। इफ इट्स अर्ली देन आई कम बैक एंड आई डू सम कार्डियो और वर्कआउट, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, देन आई हैव माय टाइम एंड आई गो टू स्लीप एट अबाउट 2:33 एंड देन अगेन आई वेक अप अबाउट 5:30. सो आई स्लीप ओनली अबाउट 2.5-3 hours, दैट्स इट। तो हाँ, एक ये होता है मेरे साथ के लंच ब्रेक के बाद करीबन 3:30-4 बजे आई गो लगा ऑन द सेट। शॉट रेडी, रेडी स्टार्ट टेकिंग। सो दिस इज समथिंग दैट आई गो थ्रू एंड वंस दैट हैपेंस विद मी, फिर मैं ठीक हूँ, फिर वो वापस से नींद आती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ जी। सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास अफर, उन्होंने कहा का तो नाम ही मत लो सर, मेरे सामने नाम ही मत लो, उन्होंने मुझे लंगोट पहनाया है। और वो कह रहे थे कि लंगोट पहनने में काफी तकलीफ हुई आपको। सर नहीं, सर मैं रो दिया। अब वो उनका कॉन्सेप्ट था, तो जब वो सीन सुनाया गया, फिल्म सुनाई गई, तो बोला क्या लंगोट पहनना पड़ेगा, तो पहन लेंगे लंगोट। जब वो एक्चुअली हकीकत में लंगोट आया मेरे पास, तो ऐसे इसको कैसे पहनूं मैं, एंड 5,000 का क्राउड, जूनियर आर्टिस्ट, यू नो, औरतें, और वो जूनियर आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने पीआर किया से काम किया है, यू नो, तो वो सब, और मैं पहन लिया मैंने, और फिर वैनिटी में बैठा रहा, हिम्मत नहीं हो रही, बाहर निकलूं। मैंने बोला चलो यार निकल जाए, तो मैंने सरोंग पहन लिया, एक लुंगी टाइप का, वहाँ से बाहर निकला और वो अखाड़े में आया मैं, एंड सबको पता था कि लंगोट है, तो वहाँ से वो शुरू हो गया है, औरतों और जितने भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, मर्द वगैरह, निकाल दो भाई, निकाल दो। अरे यार मेरे को कसम से, बोला यार, और सीटियाँ बज रही हैं और कैमरा फोन बाहर आ गए। तो फिर मैंने अली को बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, और मैं वापस चला गया वैन के अंदर। फिर एकदम करेज, एकदम ताकतवर बन के वापस से निकला। अब जब जैसे मैंने वो जो लुंगी खोली है और वहाँ से जो रिएक्शन आया है, अब पहलवान लंगोट नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा। हाँ नहीं, करेक्ट बात है, इसलिए वो पहना मैंने, और वो कोई एक्सपोज करने के लिए नहीं था, इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था, वो बॉडी दिखाने के लिए नहीं था, वो एक पहलवान जो है, यू नो, वो कैरेक्टर दर्शाने के लिए था, एंड आई थिंक दैट टर्न्ड आउट प्रीटी ओके। सुल्तान की शूटिंग के दौरान जो एक स्कूटर था आपके पास में, वो स्कूटर लेके आप गायब हुए, गांव में चले गए। हाँ सर, शॉट में टाइम लग रहा था, और हम लोग आई थिंक यूपी में शूटिंग कर रहे थे, मोरना में कर रहे थे, जो कि दिल्ली से करीबन 2.5-3 घंटे दूर है, तो टाइम लग रहा था। वो आई थिंक वो जो ट्रैक्टर उठाने का वो शॉट था, वो था, तो वो सेटिंग में, तो ऐसे चलो एक राउंड पे निकल गया। चलते चलते जगह इतनी खूबसूरत है, तो मैं चलते ही गया। फिर मैंने देखा कि रास्ते में कि कुछ बच्चे, यू नो, बैग लिए, बक्से लिए, भारी भारी बक्से, छोटे छोटे बच्चे, वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने फिर वो स्कूटर घुमाई, सबको बिठाया, और जहाँ पर उनका स्कूल था, वो जहाँ पर हमारी शूटिंग हो रही थी, वहाँ से थोड़ा ही सी आगे था, तो मैंने टाटा करके उनको छोड़ दिया। फिर अली को वो अच्छा लगा, तो अली ने फिल्म में भी शायद वो डाला है कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ, वो था, उसमें कोई शरारत नहीं थी, सब बोर हो रहा था। चलिए मैं मान लेता हूँ ये शरारत नहीं थी, लेकिन करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी। अरे नहीं सर, वो मत बोलो। अरे लोगों को लगा कि शाहरुख खान तो गए। हाँ वो एक किस्सा था, लेकिन ये आपको किसने बताया? शाहरुख ने। अब छोड़िए किसने बताया। लेकिन आपने बंदूक तो चलाई थी। जी सर, तो शूटिंग में ब्लैंक गन्स होते हैं,
तो मैंने हमारे एक्शन डायरेक्टर भीकू वर्मा उनसे ब्लैंक गन मंगवा ली और वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी तो राजस्थानी फोक डांसर्स सब वहाँ पर थे। तो कुछ देर के बाद मैं बोला, शाहरुख मैं तुझे डांस के लिए बुलाऊंगा, तो आ जा, तू मना करना, फिर मैं वापस से बुलाऊंगा, तो एक थोड़ा सा स्कफल होगा हम दोनों के बीच में और ये ब्लैंक गन है, मैं तुझको दूर से मैं तुझको गोली मार दूंगा, हाँ, और तू गिर जाना। अब ये पूरा इनैक्ट हुआ, शाहरुख आया डांस करते यार, ऑल दीज राजस्थानी डांसर्स आर कम, दे परफॉर्मिंग फॉर अस, वी ऑल्सो डांस, हम भी डांस करते हैं। इसने मेरा मूड में थका हुआ, ऐसे आ जा यार कर ले थोड़ा सा, माय ब्रदर सोहेल इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे पाँच मिनट बाद ऐसे आने यार शाहरुख यार, ये सब तेरे को बोला ना नहीं आने का, मेरे को मैं थका हुआ हूँ। ऐसे इतना यार, इतना क्या तेरा यार, ऐसे आ जा। मैं हाथ उठाया, उसने मेरा हाथ झटक दिया, मेरे को धक्का मारा, मैंने उसको धक्का मारा और एक तू तो मैं हुई और मैंने बंदूक निकाल के उसको गोली मारी। शाहरुख ने एक समरसॉल्ट लेके शाहरुख गिर गया। अब जितने लोग वहाँ पर थे, आई थिंक हनी आंटी जावेद साहब की मिसेस हनी आंटी हरी हनी रानी वो थी वहाँ पर, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। फिर एक निशी प्रेम करके जर्नलिस्ट हुआ करती थी वहाँ पर, इसे आई हैव ऑलवेज नोन दिस बॉय टू बी लाइक दिस। फिर एक प्रवीण भाई शाह जो टाइम वीडियो के मालिक थे, उन्होंने कहा बापू ये तो इस कारण में अपन भी फंस जाएंगे, यहाँ से निकल लो। अच्छा वो 5-10 मिनट हो गया, मैं एकदम आंखें लिए एकदम गुस्से के अंदर, कोई नहीं उठेगा, सब बैठा रहो यहाँ पर, सबको मार दूंगा, एकदम जोन के अंदर सब। राकेश जी एकदम हाथ कांपने लगे, राकेश जी के ऐसा कोई नहीं उठेगा, बोलो ऐसा शाहरुख उठ। अब शाहरुख हम सब इतने थके हुए थे कि हम शूटिंग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया करते थे और धूप के अंदर राजस्थान, आई थिंक ये बात थी सामोद की, तो हम लोग वहाँ पर, तो वो शाहरुख जो वो लेटा, शाहरुख सो गया। अब मैं शाहरुख उठाऊं, उठ क्या ड्रामा कर रहा है, उठ क्या ड्रामा। अब वो शाहरुख उठे नहीं, अब सोहेल पैनिक, भीकुदा पैनिक, अब मैं बंदूक चेक करूं। तो सर ने ऐसा पठान जिंदा है। तब फिर मैंने 3-4 और फायर कर दिए, फिर सब हंसने लगे, इसे क्या यार क्या करते हो तुम लोग। फिर सोहेल इन्वॉल्व था और भीकुदा इसके इन्वॉल्व थे। फिर मैं हनी आंटी को गया, हक किया, ऐसे निशी प्रेम का, ऐसे सो यू ऑलवेज नोन। एक वो बापू प्रवीण भाई शाह जो कि बहुत ही उस वक्त एक पावरफुल एक आदमी थे, ऐसे क्या बापू इतने पावरफुल, वाकई में वो लोग डर गए थे जी, हाँ, थोड़ी देर के लिए नहीं, वो क्योंकि देखिए सर, आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द इंडस्ट्री इज शाहरुख एंड नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं। तो वो परफॉर्मेंस, जैसे कि कर्ण अर्जुन का जो परफॉर्मेंस था ऑन स्क्रीन, उससे बेटर ये था, मच बेटर ये था कि सब उसके अंदर कन्विंस हो गए, भागने की यू नो कोशिश में थे। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बात आपकी शरारतों की कर रहे थे, संजय दत्त के साथ बहुत शरारत होती थी सर, लेकिन वो जो संजू के साथ शरारतें हुई, मैं बहुत सारी हुई हैं लेकिन वो बयान नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, वो अलग ही। एक बात बहुत भड़क गया था आपके ऊपर सर, वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो ठीक ही है, और लेकिन मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते हैं। अब जब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है, फिर जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। हाल ही में वो एक बहुत ही एक बुरे टाइम वक्त से गुजरे हैं और बस हमारी ये दुआएं, और ही इज़ कम आउट ऑफ इट
और अल्लाह उनको लंबी मुझे वो किस्सा मालूम है कि जब आपने उन्हें कार दी थी। मैंने दिल तुझको दिया एक फिल्म थी और इन्होंने सोहेल वाज डायरेक्टिंग इट एंड सोहेल वाज आल्सो एक्टिंग इन इट। तो सोहेल ने संजू से कहा कि प्लीज़ बाबा एक ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कैरेक्टर इस ऑफकोर्स नरेट करने की ज़रूरत नहीं, हाँ मैं करूँगा। तो पिक्चर कंप्लीट हो गई और जैसे कंप्लीट हुआ एक दिन संजू आए मेरे घर पे, वी वर पार्टी चल रही थी। तो उसी वक्त एक मेरे पास एक गाड़ी आई M5 ब्रांड न्यू और बाहर मैंने बोला कि डोंट वांट टू शो टू मी। तो रास्ते पे बाहर पार्क थी, वो निकाल जस्ट वो ट्रक से अनलोड किया, वो ट्रक चला गया और गाड़ी रास्ते पे पार्क थी। तो मैं संजू को बाहर लेके गया, बोला बाबा दिस इज़ द फर्स्ट पीस इन द कंट्री एंड आई वांट यू टू हैव इट, इज इट थैंक्स भाई जान। वो चाबी फेंक दिया समुंदर में। अब वो गाड़ियाँ एक चाबी के साथ आती हैं, बैंडस्टैंड के बीच रास्ते पर वो गाड़ी पार्क है हमारे गेट के सामने, ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर जाए। समुंदर के अंदर हाई टाइड में उन्होंने चाबी फेंक दी। 4 दिन लगे हैं हमें वो चाबी को ढूंढ निकालने में। दिस यू आर ट्राइंग टू पे मी फॉर दिस, सो दैट इज़ द कनेक्ट दैट वी हैव। ये संजू ने भी बहुत मुझे शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाईजान यू शुड गेट मैरिड नाउ, या यू डोंट नो या इट्स अमेजिंग भाईजान, व्हेन यू कम बैक होम यू आर टायर्ड टू कम बैक होम, योर वाइफ विल आस्क यू हाउ इज योर डे, योर वाइफ विल आस्क यू हाउ इज योर डे, डिड एनीवन इरिटेट यू, डिड यू हैव फन, यू आर टायर्ड, आई गेट यू सम वाटर एंड हैव अ ड्रिंक। You should get married, Jabhaij. All this thing, now, bachelorhood, is all bakwas, bullshit. Seriously, Bhaijaan. Arey, wait, yaar. Ha! So, mujhe convince kar dete shaadi kar. एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया, भाईजान आई एम गेटिंग मैरिड। दैट इज रियली व्हेन आई सेड व्हाट इज बाबा अगेन यू गेटिंग मैरिड, आई सेड व्हाट डोंट इज अ भाईजान आई मीन द थर्ड फेरा, तीसरे फेरे से मुझे फ़ोन कर गेटिंग मैरिड। इज़ ओनली 1%, वो एक डाई बना के ऊपर वाले ने तोड़ दिया। समथिंग एल्स ओनली दैट मैन इज समथिंग एल्स ओनली, आई लव हिम। संजू से तो बहुत आपकी दोस्ती रही है। आमिर खान का भी मैंने किस्सा सुना, न्यूयॉर्क में आप और आमिर खान परफॉर्म कर रहे थे और डांडिया से एक लड़की के सिर पर चोट लगी। हाँ, तो हम लोग वो सॉफ्ट टॉयज वगैरह फेंका करते थे ना, इनके हाथ से डांडिया छूट गया ऑडियंस में करते करते, हाँ, और सीधा के एक लड़की के माथे पर लगा और खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन आमिर खान का एक बहुत अच्छा, आमिर खान के बहुत अच्छे अच्छे किस्से जो मैं सुना नहीं चाहूँगा। नहीं, हम एक शो कर रहे थे जुम्मा चुम्मा, और जुम्मा चुम्मा में मैं तो वो लेदर जैकेट मैंने प्यार किया का जीन्स पहन के मैं चला गया। अब इनको उनका कुछ एक्ट था तो उन्होंने पहले एक पठानी पहनी थी, फिर पठानी उतारेंगे, फिर उसके नीचे कुछ और पहना है वो उतारेंगे, उसके नीचे कुछ और पहना वो उतारेंगे। ऐसा आमिर ये सब में टाइम लगेगा यार, और तूने अपने आप को सिर्फ 20-20 सेकेंड दिया है। आमिर चले गए, एक आया उनका तो उन्होंने अपना आए जैकेट उतारे शेरवानी का और उन्होंने अपना पहन लिया पठानी, और वो पठानी का नारा ही नहीं बन रहा जल्दी स्टेज पे जाना, वो गिर गया। फिर जब वापस चले गए निकालने के लिए तो जूते में से वो पायता निकल ही नहीं रहा है, तो वो एक्ट चला गया और मुझे आमिर देख रहा वहाँ से, इसकी मनु जबान है। यू हैड अ ग्रेट टाइम। हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर शो, अब इनफैक्ट आमिर और मैं हाल ही में, मतलब कि 3-4 दिन पहले ये बात कर रहे थे,
कि वो साउथ अफ्रीका के शो में थे, हमारे दो प्रोमोटर्स थे, गोरा भाई छोटा भाई, साउथ अफ्रीका में डर्बिन के अंदर शो था. तो एक दिन बारिश गिर गई, दूसरी दिन बारिश गिर गई, यू नो. तो उन्होंने बोला कि यू नो जो एक तबका है जो कैन नॉट अफोर्ड टू कम एंड सी दिस, लेट्स डू अ चैरिटी शो फॉर देम. तो हम लोग चले गए शो के अंदर, शो में चले गए. तो ग्राउंड पे था फुल ऑन भीड़, मतलब कि पूरा पैक्ड ग्राउंड था. तो हम पीछे से एंट्री मारी हमने, तो अब बातचीत एक बैंटर चल रहा है लोगों के साथ. और मैंने तो वहाँ से सिंग 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 सिंग, तो आमिर ने अनाउंस कर दिया कि इफ़ यू वांट टू यू नो समवन सिंग, सलमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सलमान विल सिंग. अब मैंने बोला कि यार पागल है क्या, इतने सारे लोगों के सामने ये, मैंने नो नो सिंग सलमान सलमान सलमान. तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो फंस गया मैं. तो मैंने जो जो सिंगर था उनका, मैंने उसको बोला कि यू नो दिस सॉन्ग जिए तो, इसे आई नो दिस सॉन्ग जिए तो जिए कैसे. तो आई सेड गो बिहाइंड द विंग्स एंड स्टार्ट सिंगिंग. तो आई सेड ओके योर रिक्वेस्ट, आमिर इज रिक्वेस्ट इन आल सिंग. आई सेड डू यू नो जिए तो जिए टू द म्यूजिशियंस. या उन्होंने बजाना शुरू किया और वहाँ से वो गा रहा है जिए तो जिए कैसे, वो गा रहा है, मैं यहाँ पे लिपसिंग कर रहा हूँ, ओनली लिपसिंग द सॉन्ग. एंड आमिर मेरे को ऐसा देख रहा है, ये कितना बढ़िया गाता है यार ये. मैं तो इसको फंसाने के चक्कर में था, ये इतना बढ़िया गाता है. मैंने गाना गाया फुल लिपसिंग में, मैं गया उसको थैंक यू बोला. मैं बोला ना आमिर खान इज गोइंग टू गो टू सिंग टू यू, आमिर खान इज गोइंग टू सिंग टू यू. आई लुक, तो फिर आमिर स्टार्ट हुए, ऐसे ऐसे सिंपल गाना है पापा कहते हैं इस, हाँ 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 लगा दो, आता है आता है. उन्होंने लगाया, आमिर ने स्टार्ट पापा कहते यहाँ से स्टार्ट और आमिर मुझे देन आई जॉइंड इन आमिर एंड देन उसको उसको फिर हम दोनों ने गाया. वी हैड been fortunate that I worked with great guys, great producers, great directors, बहुत सारे artists, you know, heroes, heroines, you know, और ज़्यादा करके सब के साथ बनी है. और एकाध के साथ जो नहीं बनी वो तो नहीं बनी, उनके साथ पिक्चर भी नहीं. बट इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव के अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ आ रही है आपके स्क्रिप्ट एंड यू डोंट गेट लॉन्ग विद दैट पर्सन हूएवर इज़ गोइंग टू बी विथ यू, यू कैन नॉट थ्रो दैट पर्सन आउट. आप उसको पिक्चर से मत निकालो, आप खुद बैकआउट हो जाओ, खुद बैकआउट हो जाओ. नेवर टेक समबडीज रोजी रोटी अवे, आप खुद बैकआउट हो जाओ. अगर इतनी अच्छी लग रही है आपको कि यू डू नॉट वॉन्ट टू बैकआउट ऑफ इट, then you make sure that everything is okay between you guys, whoever you don't like. Salman, isme koi shak nahi ki aapne bahut kaam kiya hai, bahut acche role kiye hain, logon ne pyar kiya hai, lekin jab baat aati hai award ki to usme aap piche reh jate ho, aur ye pehli film se ye silsila shuru hua. mujhe shauk nahi hai, aur ye mera personal view hai. I have no problem people going for award functions. मैं तो चाहता हूँ कि जाए अवार्ड लेने जाएँ आप सबके सब. जो आप अवार्ड लेने जाओगे तभी तो मैं परफॉर्म कर सकूँगा, मैं होस्ट कर सकूँगा. अगर हर एक की थिंकिंग मेरी तरह हो गई कि हमें अवार्ड नहीं चाहिए, तो भाई मेरे परफॉर्मेंसेस का और मेरे काम मेरे होस्टिंग का क्या होगा. तो मेरी तो दरख्वास्त है कि सब बहुत अच्छा काम करें और सब इन अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाए और इन अवार्ड्स फंक्शन को बहुत बड़ा बनाएं और मुझे वहां पर होस्ट करते हुए परफॉर्म करते हुए देखें. आप चाहते हैं कि अवार्ड फंक्शन होते रहें, आप होस्ट करते रहें. मैं तो चाहता हूं कि सर आप भी अवार्ड फंक्शन करें. सभी कर रहे हैं, एटलीस्ट आप जब करोगे तो इंडस्ट्री का हर एक आदमी होगा वहाँ पर.
और एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरोइन, स्टार, हर एक स्टार होगा आपके अवार्ड फंक्शन के अंदर, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री लव्स यू. Loves you, loves you. मुझे लगता है एक ब्रेक लेने का वक्त है. नहीं सर, अब थोड़ा सा आप शायद हैं. And I love you. Thank you so much. और ये वापस से बोलूँ I love you, क्योंकि बहुत अरसा हो गया मुझे I love you बोले. यहाँ पे बोल सकता हूँ I love you. तो जब ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो सारी लव स्टोरी आ जाएंगी. सर कब्र में लेके जाऊंगा. एक और ब्रेक के रुकते हैं. ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम तो सवाल आपका एक बार. सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है, अब कोई हरकत नहीं कर सकते. सर इन सिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी है. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सलमान खान. आपकी अदालत में अगला एग्जाम. आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि ये लापरवाही करते हैं. सलमान आजकल सुना है बहुत परेशान है, 5+ सिक्योरिटी है, हर समय पुलिस साथ में रहती है, पहले साइकिल लेके निकल जाते थे, अब कोई हरकत नहीं कर सकते. सर इन सिक्योरिटी से बेटर सिक्योरिटी है. है वो. हाँ सर सिक्योरिटी है. और अब तो ऐसा तो नहीं कि जो जंगल का शेर था पिंजरे में बंद है. हाँ सर वो साइकिल चलाना, रास्ते पे अकेले कहीं पर भी जाना, वो नहीं हो पाता. और उससे भी थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम है कि जब ट्रैफिक में होते हैं तो इतनी सारी सिक्योरिटी गाड़ियाँ, यू नो, इनकन्वीनियंस टू अदर पीपल, तो उनके लुक भी आते हैं कि अच्छा बेटा स्टार बन गया. तो वो एक लुक भी आता है, इनकन्वीनियंस भी होती है लोगों को, बेचारे फैंस, यू नो, कुछ थ्रेट्स वगैरह हैं, तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई द सिक्योरिटी इज़ देयर. और वो सलमान ये थ्रेट तो सीरियस है. जी सर. जो थ्रेट आपको है देश के अंदर से भी है, देश के बाहर से भी है. जी. और मैंने उसको एग्जामिन किया है. ये जो सिक्योरिटी आपको मिली है इसलिए मिली है क्योंकि ये वाकई में एक सीरियस थ्रेट है, लेकिन आप उसको सीरियसली नहीं लेते. सर जो जो मुझे कहा गया करने के लिए मैं वो हर चीज़ कर रहा हूँ सर. अब आई नो कि हमारी पिक्चर किसी के भाई किसी की जान में वो एक डायलॉग ही है, दैट दे हैव टू बी लकी 100 times, आई हैव टू बी लकी वंस. तो वो तो है ही. सो आई हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल. लेकिन आप शूटिंग भी कर रहे हैं, अवार्ड्स फंक्शन में जा रहे हैं, ईद की पार्टी भी कर रहे हैं, इफ्तार में भी जा रहे हैं. सर वो पूरे सिक्योरिटी के साथ जा रहा हूँ सर मैं, पूरे सिक्योरिटी के साथ. अब जैसे यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, यू नो. सो यहाँ पर टोटली सेफ है. इंडिया के अंदर थोड़ा सा है प्रॉब्लम, बट आई नो कि जो होने वाला है वो तो ओके रहेगा. आप कुछ भी कोशिश कर लो. And I believe that he's there. Alas. अब ये नहीं कि ये he's there करके मैं एकदम खुला बाहर निकलना शुरू कर दूँ. ये नहीं है. अब पहले तो लोग देखते थे एक शेरा आपके साथ में, उससे आपका काम चल जाता था. अब बहुत सारे शेराज आ गए मेरे पास. बहुत सारे आ गए. इतनी सारी बंदूकें चल रही साथ में कि खुद डर लगता है आजकल. लेकिन सलमान तो यू पॉइंटेड है. आगे पीछे आगे पीछे. एंड देन वो सर वो एक लुक भी आता है ना कि अच्छा वाह
और फिर द गाइज विल अंडरस्टैंड कैन नॉट गो एनीवेयर. जैसे जैसे व्हेन वी सी अ मिनिस्टर मंत्री ना यू जस्ट गिव दैट लुक ना ये लो हाँ वो आजकल लुक मुझ पे पड़ रहा है. सो आई हैव टोल्ड देम के वो सायरन वायरन का कोई साउंड नहीं चाहिए, ड्राइव एट अ वेरी स्लो पेस, क्योंकि हमेशा अगर ऐसे फास्ट पेस के अंदर वो पायलट गाड़ी निकल जाती है सर. जिस गाड़ी में अपन बैठे हैं ना अपन निकलते हैं, वो जिसका थ्रेट है वो तो कुछ करेगा नहीं, हाँ अपन ही अपना काम कर देंगे. सो आई टेल देम ड्राइव वेरी केयरफुली. लेकिन ये जो थ्रेट है इसके पीछे 20 साल पुरानी कहानी है, ब्लैक बक के केस की कहानी है. सर मुझे नहीं पता सर ये क्या है. आई सीरियसली डोंट नो. हमारे जुडिशियल सिस्टम है सर, वो बड़ी काबिल है, वो डिसाइड करेगा. हमारे जज साहब डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन आएगा वो हम विल टेक इट ऑन सर. ब्रिंग इट ऑन. मैं आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि मामला अदालत के सामने है और अदालत डिसाइड करे, और हमें यकीन है कि आप छूटेंगे, आपकी अदालत से नहीं छूटेंगे, उस अदालत से भी छूटेंगे. लेकिन सलमान खान में कुछ ऐसा मैग्नेट है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी बात होती है, कोई बदनामी, किसी आदमी की मौत हो जाए तो इल्ज़ाम सलमान पर लगता है कि सलमान ने इंडस्ट्री से निकाल दिया, काम नहीं करने दिया, इसलिए वो गया. सर मैं खुद इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हूँ. मेरे खुद इंडस्ट्री में जिनके साथ काम करता हूँ उन्हीं के साथ मैं शूटिंग्स के ऊपर बातें करता हूँ, घर पे आता हूँ और बस मैं हूँ और मेरी फैमिली है. तो ये नहीं कि मैं इंडस्ट्री के एकदम स्ट्रेट आउट, मतलब कि रोज़ पार्टियाँ हो रही हैं, रोज़ गेट टुगेदर्स हो रहे हैं और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बचपन के दोस्त हैं वो हैं, जो कि सीनियर्स हैं वो हैं. बट ये इंप्रेशन तो ये कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो सलमान को सेट कर लो. सर मैं अपने आप को खुद सेट नहीं कर पा रहा हूँ सर. इतने सालों के बाद तो आदि चोपड़ा ने काम करना शुरू किया, अब करण जौहर का फ़ोन आया कि एक फिल्म है. तो दीज आर द बिग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, तो दे ऑल्सो आई मीन वॉन्ट टू वर्क विथ मी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विथ दैम. ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है, 8-10 साल पहले, बट इसके पहले तो मुझे तो कोई टच ही नहीं करता था. तो इसलिए जो जो मेरे जो पहले के प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि बबी कैंट हैं जिन्होंने कुर्बान बनाई मेरे साथ, शादी करके फंस गया वो बनाई मेरे साथ, फिर 3-4 पिक्चर बनाई, फिर जैसे मिस्टर श्याम बजाज हैं वो ये अभी तक मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब नीचे जाने का टाइम आएगा ना यही लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे. लेकिन इंप्रेशन तो ये है कि अगर सलमान किसी से नाराज हो जाए तो उसका इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल है. नहीं सर वो दैट नाराजगी वाला मेरी क्वालिटी नहीं सर, क्वालिटी नहीं. यू नो पीपल ड्रिंक एंड दे गेट कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. इफ आई हैव अ ड्रिंक आई से लेट गो वेरी गुड. आई डोंट हैव दैट विंडिक्टिव बोन इन माई बॉडी. आई डोंट हैव दैट एट ऑल के मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. दैट आई वुड नेवर एवर फॉरगिव यू. सो वो मेरे में है नहीं, वो आ जाता है कभी कभी कह रहा अच्छा, एंड देन व्हाट यार लाइफ इज टू लॉन्ग फॉर दिस एनिमोसिटी. Go. This was that journey. This is meant to be. Now, where are you going to do Mata Phodi on somebody? I don't. नहीं आपकी बात सही है. पिछले दिनों हमने देखा पठान हिट कराने में सलमान खान. अरे बिल्कुल नहीं सर. ये क्रेडिट शाहरुख खान से कोई छीन नहीं सकता, आदि चोपड़ा से कोई छीन नहीं सकता. बिल्कुल ही नहीं. शाहरुख ने बहुत अच्छा काम किया है. ये सब फैंस शाहरुख की फिल्म देखने के लिए तरस गए थे और एक राइट टाइम राइट मौके पर राइट फिल्म आई और शाहरुख आई थिंक इट्स द बिगेस्ट हिट ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
अक्षय कुमार की सेल्फी रिलीज होने लगी तो आपने उसके साथ एक वीडियो किया जी, जी। कंगना की फिल्म को भी आपने प्रमोट किया जी जी। वो सर वो इंडस्ट्री वो बोलते हैं कि डिवाइडेड है, वो आई डोंट थिंक इतनी डिवाइडेड है। लोगों के ओपिनियंस हैं, लोगों के ग्रुप्स हैं, लोगों के फ्रेंडशिप्स हैं, बट जब इंडस्ट्री को तकलीफ होती है तो सब साथ में आ जाते हैं। अब करण जौहर के साथ फिल्म करेंगे? जी हाँ जी हाँ, मैं उनके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत सालों पहले कुछ कुछ होता है में आपने उनको उनके लिए एक सपोर्टिंग एक्टर का काम किया था। जी हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि वो आई थिंक सैफ अली खान, चंद्रचूर सिंह ने सब ने वो रोल करने से मना कर दिया था। तो वो मेरी बहन अलवीरा और उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने जिक्र किया अलवीरा से, तो अलवीरा ने बोला कि यू मस्ट डू द फिल्म। तो मुझे सुनाने को आया, उन्होंने मुझे फर्स्ट हाफ सुनाया, मैं फर्स्ट हाफ में था ही नहीं। मैं बोला काय को वेस्ट कर रहे हो टाइम यार, आई एम डूइंग दैट फिल्म, माई सिस्टर इज टोल्ड मी डू द फिल्म, शी इज अ फ्रेंड ऑफ हिज, आई डू द फिल्म। लेकिन वो हर जगह कहते रहते हैं कि मुझे उनसे बहुत डर लगता है, आपकी पहली पिक्चर में मैंने आपके साथ काम किया, फिर डर किस बात का। और एक सुन रहे हैं कि टाइगर 3 में शाहरुख भी नजर आएंगे आपके साथ। ये सरप्राइज है। तो एक और ब्रेक ले लेते हैं जी सर, इस सरप्राइज के इंतजार में। और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जामात और सवाल आपका एक और। और मैं आपके साथ ये केक काट रहा हूँ इंडिया टीवी को दुबई यूएई में लॉन्च करने। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं सलमान खान। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सुपरस्टार सलमान खान पर इल्जाम है कि ये मनमानी करते हैं। डायरेक्टर कोई भी हो, फिल्म कोई भी हो, उसके काम के साथ इंटरफेयर करेंगे, फिल्म की स्क्रीन प्ले भी चेंज करेंगे, फिल्म के डायलॉग भी चेंज करेंगे, और फिल्म में डांस के जो स्टेप्स है वो भी सलमान खान तय करेंगे। सर सच बोलूं या झूठ बोलूं? अब आपकी अदालत है, जनता सामने है, तो सच ही बोलना पड़ेगा। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको चेंज करने का कोई मायना है नहीं, बट ऐसी भी कुछ चीज़ें होती जो कि अच्छी नहीं होती, तो उन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड यस, मैं ही नहीं, हम सब करते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया है, वे खुद हैं। हमने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो खुद डायरेक्टर भी एक हेल्थी डिस्कशन के अंदर मान जाते हैं कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट नहीं है, और फिर हम भी जब वो हमको एक्सप्लेन करते हैं कि इस सीन के बाद ये सीन आएगा और ये गाना इसलिए ऐसा क्यों है बिकॉज ये सिचुएशनल गाना है, तो हम भी मान जाते हैं। तो जो फिल्म मेकिंग है वो एक टीम वर्क के साथ होता है। ये अच्छी बात है सलमान, आपने एक्सेप्ट किया, ये माना, इसको टालने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं सुनता हूँ कि फिल्म का नाम भी बदल देते हैं। ये जो अभी फिल्म आई है, इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था कभी ईद कभी दिवाली? ये इसके ऊपर थॉट था सर, थॉट था कभी ईद कभी दिवाली, लेकिन जिस हिसाब से ये फिल्म बन रही थी, जो एक पहले की स्क्रिप्ट थी और फिर बाद की स्क्रिप्ट, जो आप बोल रहे हैं कि इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर नहीं करता सर, मैं मदद करता हूँ मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ पिक्चर चली है, पिक्चर आप लोगों को अच्छी लगी तो अच्छी बात है ना। अब वो हमारे डायरेक्टर हैं, वो खुद राइटर हैं, मेरे साथ दो पिक्चरें पहले भी की हैं, रेड्डी भी की है, और तो वो तो इसमें कौन सा डायलॉग लिखे, किसी का भाई किसी की जान में? सर ये इस फिल्म का टाइटल था भाईजान, भाईजान, और मेरे फादर को अभी भी ये किसी का भाई किसी की जान का टाइटल वो अभी भी उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो टाइटल होना ना वन वर्ड होना चाहिए था, बट आई जस्ट थॉट दैट भाईजान वॉज टू ब्रो ब्रो गाय गाय टाइटल, यू नो दैट, सो आई डिडंट वॉन्ट दैट सिर्फ
लड़के 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 पिक्चर देखने को, मतलब सिर्फ भाई जान नहीं होना चाहते, किसी की जान भी आप होना चाहते। करेक्ट है, तो वो एक भाई भी है और जान भी है, सो दैट विमेन, एंड इट्स एक्चुअली इट्स लाइक द विमेन लव द फिल्म, इट्स रोमांस, यू नो, एक्शन वैक्शन तो है ही हर पिक्चर में होता है, कॉमेडी, बट दैट रोमांस ऑफ दिस फिल्म इज सो ब्यूटिफुल, एंड इन इंडिया, आई डोंट नो अबाउट हियर, द विमेन ऑडियंस हैव यू नो स्टार्टेड गोइंग टू द थिएटर्स टू वॉच दिस फिल्म, बिकॉज वो जो एक फैमिली जो है, एक जो हमारा कल्चर है, यू नो, भाइयों की बॉन्डिंग है, उनकी गर्ल फ्रेंड्स, यू नो, एवरी वन टुगेदर, इन द साउथ फैमिली, इन द इन लॉज, एंड वॉट ही डज फॉर द इन लॉज, तो ऑल द वीमेन हैव स्टार्टेड सीइंग द फिल्म राइट नाउ, सो आई डिडंट वांट दिस टू बी, आई वांटेड दिस टू बी सबकी फिल्म। नाम अच्छा है, लोगों को पसंद आया, लोग ये फिल्म देख रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ डायलॉग भी आपने लिखे? हाँ, वो इम्प्रोवाइज हो जाते हैं सर, इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। मैं सुना कि ये जो डायलॉग हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, मुझ पे एक एहसान करना, हाँ सर, वो शॉर्ट के पहले निकल आता है कभी कभी, और वो आई थिंक वो रियल लाइफ से निकल आता है। आई एम डूइंग यू फेवर सर, डू मी अ फेवर, डोंट डू एनी फेवर, डोंट वांट अ फेवर, तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट यू गोइंग थ्रू एंड स्टफ लाइक दैट, तो ये सब डायलॉग खुद के भी नहीं है, ये लाइफ में किसी ना किसी से सुने होंगे, या यू नो वो चीज़ें याद रखी होंगी, और वो सिचुएशन ऐसा आ गया कि वो यू नो जो रियल लाइफ की चीज़ है वो हम डाल सकें फिल्म के अंदर, दैट्स व्हाई दे कैच ऑन आल्सो। तो ये रियल लाइफ में कहाँ सुना था कि तुम में इतने छेद करेंगे? ये सर, ये उन्हीं का डायलॉग था, हमारे डायरेक्टर साहब, मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि आपका डायलॉग, वो जो पादने वाला डायलॉग इज वेरी ऑकवर्ड, आई मीन इट्स नॉट अ, इट्स लाइक आई जस्ट फील दैट, सो आई हैड टू डू दैट, आई हैड टू डू ऑल दैट स्टफ आफ्टर दैट, बट दैट फिल्म वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। आजकल एक ट्रेंड बना है सोशल मीडिया पर, कोई भी फिल्म रिलीज होती है उससे पहले ही बॉयकॉट बॉलीवुड चलने लगता है, फिल्म का ट्रेलर, फिल्म का नाम, पोस्टर देखकर ही कैंपेन शुरू हो जाता है। सर ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है सर, अभी तो सोशल मीडिया पर चलता है, पहले मोर्चे आते थे घरों के बाहर और थिएटरों के बाहर, बट यू नीड टू, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, यू नीड टू हैंडल इट। हमारी एक फिल्म थी लव रात्रि, वो टाइटल था, दे हैड नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट, so they said also why they had an objection, because you know it's a festival, you know it should not look, you know that it's just, you know, don't make it frivolous, so I agreed to them, and the second I said love yatri chalega, I said chalega, I said love yatri, that, so there's no like bajrangi bhaijaan, so we went to the very politely, the censor board said yaar ye bajrangi bhaijaan ye change kar do, you know, so I said agar ye punjab ja rahe hote तो ये होते बजरंगी पाजी, अगर ये यूपी जा रहे होते तो होते बजरंगी भैया, अगर ये महाराष्ट्र आ रहे होते तो ये होते बजरंगी भाऊ, यू नो, सो ये था, सो देन दे अंडरस्टैंड, ये पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये बजरंगी भाई जान होंगे, सो दे अंडरस्टूड देन सेकंड, एंड दे जस्ट गिव द गो अहेड। बजरंगी भाईजान को लोगों ने पसंद किया और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, आपको लगता है कि एक्टिंग के लिहाज से आपकी वन ऑफ द बेस्ट? सर वो उसमें कोई एक्टिंग थी नहीं, क्योंकि वो फिल्म ही इतनी बढ़िया थी कि सेट पर पहुंचो और यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग इट, ये जैसे कि मैं जब मैं सूरज बड़जात्या साहब के साथ शूटिंग करता हूँ और जब उनके सीन्स आते हैं मेरे पास तो मैं तो सोचता हूँ कि यार मैं, मुझे क्या हो गया यार, this guy has gone purer and I am just going in the opposite direction, you know, I'm not feeling that I'm that the niceness, or phir hanging out with Suraj Barjatya for some time, phir wo ek clean up shuru ho jata hai, and then like after bahut samay ke baad I did Prem Ratan Dhan Paya with him, wo mujhe time laga us film ke andar, ऐसा लगता है कि ये अच्छाई की ना, ये अभी फ्रॉड एक्टिंग हो रही है, आई हैव लॉस्ट दैट इनोसेंस इन मी,
and then spending time with him and hearing him talk. And because he's same way only, he's just grown 1,000 times, 1,000 folds. Jaise ki ye film Bajrangi Bhaijaan, I just thought in Bajrangi Bhaijaan climax, jo ki Kabir aur maine bahut aur hum bhool gaye. And Raja Moili also pointed out to his father, Mr. Vijayendra Prasad, that visual was not supposed to be of Nawazuddin Siddiqui. That last visual of that Muni going to the mother should have been Pawan's, should have been mine. Because out here, ke main chhod ke aunga, main chhod ke aunga, main chhod ke aunga, main chhod ke aunga. और एंड में नवाजुद्दीन को देते हैं कि जा तू छोड़ के आ. अब वो ऐसा होना चाहिए था उस फिल्म के अंदर. पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट है, यू नो, आई जस्ट फील दैट वो अगर आ जाता उसके अंदर तो दिस फिल्म वुड हैव बीन के दैट इमोशन ही सीज दैट द मदर एंड द चाइल्ड गेट टुगेदर एंड देन ही गेट शॉट. इट वुड हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन एवर. तो ये कुछ फिल्में जहाँ आपकी मनमानी नहीं चली. हाँ सर, और पिक्चर भी अच्छी खासी चली, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें होती तो वो और बड़ी हिट होती. संजय लीला भंसाली के साथ आप फिल्म करने वाले थे. जी सर, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह नहीं हुई, इंशाल्लाह कोई और पिक्चर हो जाएगी. एक जो इमेज थी एक ज़माने में सलमान खान ने अपनी बनाई थी बैड बॉय, वो इमेज आपने बदली है सर. बट नाउ देयर इज अ नाइस रिलेशनशिप. क्या वो फोटोग्राफर्स आते हैं, दे टेक पिक्चर्स, दे सेल दोस पिक्चर्स, दे मेक मनी. आई गिव देम द पिक्चर्स, भाई इधर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, भाई राइट राइट राइट, भाई ऊपर ऊपर ऊपर, भाई भाई नीचे नीचे, भाई एक और बार, भाई 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 इधर उधर, इधर भाई भाई थोड़ा सा, भाई स्माइल, भाई भाई हो गया, थैंक यू आउट. So I do that. Then I also go and into them, or वो भी मेरे साथ पिक्चर ले लेते हैं. तो I do that now. But at that point of time, there was a young लड़के थे जो कि आज, you know, they mature and they've realized, the journalists, they've realized their mistakes, that they had gotten very caustic. वो बड़े ही mean हो गए थे उस वक्त, और family life के अंदर, और you know. अभी तो क्या होता है कि कुछ हो जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर 5 मिनट में आ जाता है, बिफोर यू नो इट. उस वक्त ना हम 15 दिन टेंशन में रहा करते थे, 1 महीने टेंशन में रहा करते थे कि ये क्या छाप रहे हैं. अरे दैट यूज टू किल यू, दैट यूज टू किल यू. अब कुछ हो गया तो सर 30 सेकेंड्स 5 मिनट्स के अंदर आ गया सोशल मीडिया के ऊपर. अब वो टाइम ही नहीं मिला, आ गया, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं. अब वो दैट टेंशन के अंदर, अच्छा this they are writing about this affair of mine, wo is journalist ko contact karo, us journalist ko contact karo, iske through wo nikalo article, ye karo wo karo. That 1 month you could not concentrate on your work. It used to be so traumatic, and this too hurt you where it hurts, or become friends with people and take out gossip and, you know, write these things. And I think all of them have realized that, and they all have said that, you know, we were young, we wanted to do something. So I said, but you did wrong, you did wrong. So now they're all mature and they're all okay now. But wo tension bahut hua karta tha us waqt ki girlfriend ko pata chalega, aur heroino ke sath ye topic, ye, it was very messed up, very messed up. काम को लेके इस बात की बहुत चर्चा है, जो आपने कहीं कहा कि हम 5 लोग हैं, हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं. अभी नहीं छोड़ेंगे सर, नहीं छोड़ेंगे. सभी अपने अपने एक तरीके से, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर, सो वी विल ऑल डू आवर बेस्ट टू एंटरटेन यू पीपल and the best, so that you look at us and you take care of your health and be healthy.
Be good. Even though we bleed, we hurt, घुटनों में दर्द है, एंकल में दर्द है, पीठ में दर्द है, पिट गए, नाक टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, लिगमेंट फट गया, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारे साथ, we will still give it our best till the very end. आपको हमारी तकलीफ भी आपको वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी, ये गारंटी, वो मेहनत दिखाई देगी, वो तकलीफ नहीं दिखाई देगी, बिकॉज वी विल डू इट स्माइलिंग, वी विल डू इट लाफिंग, वी विल टेक इट हेड ऑन. सलमान, ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले जिस सलमान को आपके अदालत बुलाया था उसमें और आज सलमान में बहुत फर्क आ गया। I don't know, sir. Thinking, sir, आपने सवाल इतने अच्छे-अच्छे पूछे। अब इस साल is a war with myself, is an apology to myself for all the things that I've done. जब आप खुद apologize अपने आप से करते हैं और खुद एक वॉर, एक संघर्ष पे जाते हैं अपने आप से, तो बाहर बहुत कम माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं आपको। और बस यही कि आई थिंक एवरीवन शुड जस्ट सी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। हर एक गलत चीज़ कम करो, हर एक अच्छी चीज़ को बढ़ावा दो। सलमान, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, फिर भी मैं गिल्टी हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यू गाइस आर वंडरफुल, थैंक यू। सलमान, एक अनाउंसमेंट में यूएई के लोगों के लिए करना चाहता हूँ। जी जरूर। सलमान खान का जो शो हमने दुबई में किया, ये जिस दिन टेलीकास्ट होगा उस दिन से आप इंडिया टीवी को यूएई में देख पाएंगे। अरे वाह। सलमान के शो के साथ हम शुरुआत करेंगे, एटीसलाट और डीयू पर आप इंडिया टीवी देख पाएंगे। ये मुझे लगता है कि हमारा जो आपने प्यार दिया है उसका हम ये ऋण चुका रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आइए, तो ये लॉन्च है इंडिया टीवी का यूएई में, एंड थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर डूइंग दिस। I am honored कि ये लॉन्च है, मैं पहले एपिसोड में हूँ और मैं आपके साथ ये केक काट रहा हूँ इंडिया टीवी को दुबई यूएई में लॉन्च करने। थैंक यू। अब ये मैं आपको इसका एक, पता नहीं आपको कितना शुगर अलाउड है, लेकिन थोड़ा बहुत उतना तो अलाउड है। Thank you very much. You've been a very, very good audience and really, really grateful to you for being here and being so supportive. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.